नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछु। प्रथमे हेडलाइंस राज्य राज्य 6215 पॉजिटिव चिन्हट क्वारंटाइन 3604 लोकाल केस 2611 खोर्धारु सर्वाधिक 950 सुंदरगढ़ 684 कलाहांडी 622 82 महाराष्ट्र विजय वल्लभ कोविड हॉस्पिटल रे बड़ घटना आईसीयू रे निया लागी 13 रोगी जीवंत दग्ध शोक प्रकाश कले मोदी मृतकों परिवार को 2 लाख आहतों को 50,000 सहायता राशि घोषणा कोरोना स्थिति को नहीं आज प्रधानमंत्री उच्चस्तरीय बैठक हॉटस्पॉट राज्य मुख्यमंत्री और अक्सरचय निर्माता आलोचना अपराह 5 वर्चुअल मध्यम पश्चिमबंगवासी करेंगे संबोधित केन्द्र कोयला और खनि मंत्री को पत्र लिखिले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान तालचेर एमसीएल हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल भाव कार्य करने को अनुरोध 100 वेंटिलेटर व्यवस्था पर चिठी में उल्लेख बढ़ला कोविड कटकणा पश्चिमबंगु फेरिले 14 दिन बाध्यतामूलक क्वारंटाइन सेवा को लगी सबु रास्तार हो कड़ा चेकिंग 2 डोज वैक्सीन नहीं घर को जीवा अनुमति अनुगुल रे कोविड कटकणा कड़ाकड़ी कला जिला प्रशासन समस्त सहरांचल को सोमवार जाए सटडाउन घोषणा जारी रही अत्यावश्यक सेवा नवमिश्र कॉलोनी को कंटेनमेंट जोन घोषणा ब्रह्मपुर पुणि फेरिला बाउंस ब्यारिकेड महानगर निगम अंचल परिवा हाट और दुकान सामने अवरोध सामाजिक दूरता रखी ग्राहक किणवे सामग्री एवं मास्क चेकिंग बेले चोरा बाइक जबत 5 बाइक जबत कला टांगी पुलिस अभियुक्त को अटक रखा तदंत जारी आज संपूर्ण खबर को राज्य में आज 6215 कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होते चिन्हट संक्रमित क्वारंटाइन 3604 लोकाल केस रही 2611 खोर्धा जिलारु सर्वाधिक 950 पॉजिटिव चिन्हट होते सेपरि सुंदरगढ़ 684 कलाहांडी 682 नुआपड़ 446 कटकु 383 पुरी 306 बरगढ़ 268 झारसुगुड़ 261 समलपुर 263 नवरंगपुर 257 बलांगीर 211 अनुगुल 173 संक्रमित चिन्हट होते राज्य में मोट संक्रमित संख्या 3,94,694 पहुंची एक्टिव केस 48,117 रही कोविड हॉस्पिटल में अग्निकांड घटी 13 जन मृत्यु होई महाराष्ट्र पालघर जिलार बिरार वेस्ट स्थित विजय वल्लभ कोविड केयर हॉस्पिटल में बड़ घटना भोर 3:15 मिनिट्रे आईसीयू यूनिट प्रथम निया लागी घटनास्थल अग्नि निर्वापक टीम पहुंची निया लिभाई सकाल 5:30 मिनिट बेलू निया लिभिता मोट 17 जन आईसीयू थे एजावत 13 जन मृत्यु होता बेले बाकी 5 जन को आउ एक हॉस्पिटल को स्थानांतर करा जाय छे सबटे घटनारे दुख प्रकाश करिछंते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एहा सह मृतकों परिवार को 2 लाख टंका लेखाए एवं गुरुतरों पर 50,000 लेखाए सहायता राशि घोषणा करिछंते प्रधानमंत्री वर्तमान आसतु नजर पकाइबा कोविड स्थिति को नहीं समस्त राज्य मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री गुरुत्वपूर्ण आलोचना ऑक्सीजन इस वक्त एक दवा के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और कई विशेषज्ञों का कहना है कि ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि हाई फ्लो ऑक्सीजन तो यानी ऑक्सीजन की लगातार वो खपत बढ़ भी रही है तो उस लिहाज से बीते एक हफ्ते के भीतर ही जो राज्यों को आवंटित था उसमें एक तरह से उसको दोगुना किया गया उस आवंटन को लेकिन ये आवश्यकता बढ़ सकती है इसका अंदाजा थोड़ा पहले भी कर लिया गया था और उस लिहाज से हम कुछ दिन पहले हमने देखा कि जो इंडस्ट्री को ऑक्सीजन जा रहा था उस ऑक्सीजन के सप्लाई पर इंडस्ट्री पर रोक लगाई गई और चुनिंदा जो इंडस्ट्री छोड़कर जिसमें दवा कंपनियां हो सकती हैं या एकदम एसेंशियल सर्विसेज उनको छोड़कर बाकी ऑक्सीजन को मेडिकल सप्लाई के लिए डाइवर्ट किया गया लेकिन दिक्कत ये थी इस बात को भी समझना पड़ेगा क्योंकि लिमिटेड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी क्योंकि इस तरह की इतनी बड़ी जरूरत कभी पड़ी नहीं थी ऑक्सीजन की क्योंकि डायनामिक सिचुएशन तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए फिर से अलग से अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई और हमने आज भी तस्वीरों में देखा
प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर एयरफोर्स को लगाया गया है। एयरफोर्स जो ऑक्सीजन टैंकर्स है उसको लिफ्ट करके एयरलिफ्ट करके ले जा रहा है जहाँ ऑक्सीजन के प्लांट हैं। ग्रीन कॉरिडोर रेलवे की तरफ से बनाए गए हैं। इसके अलावा जो अतिरिक्त टैंकर्स जो नाइट्रोजन आर्गन वाले टैंकर्स हैं उनको कन्वर्ट किया गया है। देश में उत्पादन पर्याप्त है, इंडस्ट्री से भी पूरा सहयोग मिल रहा है। हमने देखा कि टाटा हो, रिलायंस हो, जिंदल हो, तमाम इंडस्ट्री जो वो भी आगे बढ़कर सामने आ रहे हैं। उन्होंने अपनी तरफ से ऑक्सीजन की सप्लाई राज्यों को और लागत ज्यादातर लोगों ने मुफ्त में वो ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू की है। तो एक तरह से सब लोग मिलके सिविल सोसाइटी हो, इंडस्ट्री हो, राज्य सरकारें हो, केंद्र सरकार, सब लोग स्थिति से बाहर निकल रहे हैं। ठीक यही हाल रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात जब प्रधानमंत्री को बताई गई तो उन्होंने तुरंत निर्देश दिया था इसको उत्पादन बढ़ाने के लिए और उनके निर्देश पर उनके आग्रह पर दवा कंपनियों ने अपने इंजेक्शन के न सिर्फ दाम कम किए उसका उत्पादन भी दोगुना से ज्यादा लगभग बढ़ा दिया है। राज्यों को उनकी मांग के मुताबिक इंजेक्शन की सप्लाई भी की जा रही है। और कल हमने भी देखा कि एम्स दिल्ली की तरफ से एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का एक प्रोटोकॉल जारी किया गया है। तो एक तरह बहुतायत या अति में इसका इस्तेमाल ना हो, कुछ पेशेंट्स को इसकी जरूरत पड़ सकती है किन परिस्थितियों में, तो उस लिहाज से भी परिजन ना दबाव डॉक्टर्स पे दबाव ना डाले और डॉक्टर्स भी अंधाधुंध इसका इस्तेमाल ना करें, तो उन तमाम चीजों को भी देखने की जरूरत है। तो जुडिशियसली आहिस्ते आहिस्ते स्टेप बाय स्टेप तमाम कदम उठाए गए हैं। निश्चित तौर पर ये एश्योरेंस पीएम मोदी इन 10 राज्यों को फिर से दे रहे होंगे कि केंद्र सरकार इस लड़ाई में मुख्यमंत्रियों के साथ हर वक्त हर पल खड़ी है, तमाम चीजों के साथ, संसाधनों के साथ, मैन पावर के साथ, आर्थिक मदद के साथ। लेकिन निश्चित तौर पर राज्यों की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। अगर ब्लैक मार्केटिंग कहीं हो रही है तो उस पर नजर रखना है। अगर ऑक्सीजन की कोई होर्डिंग कर रहा है तो उस पर नजर रखना है। अगर कोई इस समय में भी, इस विपत्ति के समय में भी जो अधिक दाम लेकर चीजों की, अगर 2000 की कोई चीज है उसको 50,000, इस तरह की घटना आ रही है तो सख्ती से उन पर भी कार्रवाई करनी है। और निश्चित तौर पर एक कोऑर्डिनेशन मॉनिटरिंग राज्य के स्तर पर, जिला के स्तर पर वो भी लगातार होनी चाहिए। उससे वास्तविक स्थिति की न सिर्फ जानकारी मिलती है बल्कि उसके जरिए एक्ट करने में भी एक तरह से फायदा होता है, उसके परिणाम अच्छे होते हैं। तो ये तमाम चीजें जरूर पीएम का भी आग्रह रह सकता है इस बैठक में। जी। सुधाकर, पूरा देश कोविड के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होना जरूरी है और ऐसे में वित्त मंत्रालय की तरफ से जो औद्योगिक घराने हैं उनसे भी एक तरह से अपील की गई है कि वो जो सीएसआर की राशि है वो कोविड के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल की जाए। यानी शुणुले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित रही अनेक राज्यर मुख्यमंत्री सहित आलोचना करशे कोविड्र स्थित महामारी रूप नहीं समस्त मनरे गोटे भय रही जहां स्थित समीक्षा करुले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भिसी जरिया बैठक रही आज करोना स्थिति नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनोटी गुरुत्वपूर्ण बैठक अधिक संक्रमित राज्यर मुख्यमंत्री आलोचना करेंगे। मोदी दिन 12:30 ऑक्सीजन संबंधी समीक्षा बैठक करिबार कार्यक्रम रही। देश में वर्तमान अनेक जगह ऑक्सीजन आवश्यकता वृद्धि पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपराह 5:00 वर्चुअल माध्यम से पश्चिमबंग लोक संबोधित करेंगे। 4 जिलार 56 विधानसभा निर्वाचन मंडल में 4 रैली रे संबोधित करिबार कार्यक्रम रही। किंतु देश में कोरोनार स्थिति को नजरे रखी प्रधानमंत्री निजर गस्त बातिल करिछन्ते। केन्द्र कोयला व खणि मंत्री को पत्र लिखिले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। तालचेर एमसीएल हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल भावे कार्य करिबा सह 100 वेंटिलेटर व्यवस्था पई अनुरोध कले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। अनुगुल जिले बढ़ुवा कोविड मामला परिप्रेक्षी केन्द्र कोयला व खणि मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखिंट जिले मेडिकल भित्तिमि को कार्यक्षम करने अत्यंत आवश्यक बोली धर्मेन्द्र निज पत्र उल्लेख कर।
पश्चिमबंग में कोरोनार ट्रिपल म्यूटांट चिन्हट ओडिशा सरकार नुआ कटकणा जारी करिछन्ते। पश्चिमबंगर आसुथिबा समस्ते बाध्यतामूलक भावे 14 दिनिया क्वारंटाइन रहिबे। सेपरि पश्चिमबंग सीमा को लागिथिबा समस्त रास्तारे कड़ाकड़ी चेकिंग हेबो, एने घोषणा करिछन्ते मुख्य शासन सचिव। सेपरि पश्चिमबंगर फेरुथिबा व्यक्ति चाहिले पेड क्वारंटाइन रहिपारिबे, विमानरे आसिले बि क्वारंटाइन रहिबे, तबे होम क्वारंटाइन जाइपारिबेनि कोनोसे व्यक्ति। दुईट डोज भैक्सीन नहीं घर को जापारे। पश्चिमबंग में भयंकर होना भाइरस, सेठे अधिक भयंकर ट्रिपल म्यूटांट भारियंट। राज्य को ट्रिपल म्यूटांट भारियंट्रु रोकवाई निष्पत्ति कहते मुख्य शासन सचिव। कोविड पॉजिटिव संख्या आम राज्य में बहुत द्रुतगति में बढ़ी चलते आपण जानते, एवं मोस्टली छत्तीसगढ़ बॉर्डर जो डिस्ट्रिक्ट सब अच्छे से डिस्ट्रिक्ट प्रथम बहुत अधिक केस होता बर्तमान मत बढ़ुच्छे, किंतु वर्तमान जो मेजर थ्रेट अच्छे आम जहाँ देखुचु वेस्ट बेंगल रे जो जनरल इलेक्शन चलचे, वेस्ट बेंगल रे बहुत अधिका संख्या रे वर्तमान कोविड पॉजिटिव केस डिटेक्शन होउछि, मोर देन 10,000 केसेस तंकर प्रतिदिन होउछि। एवं सबुठ इम्पोर्टेंट है गोटे नुआ स्ट्रेन जोटा ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट कहते कोविड रो, जोटा कि बहुत भयंकर वायरस जो वेस्ट बेंगल डिटेक्ट होती। राज्य सरकार आज निष्पत्ति नहीं वेस्ट बेंगल रो जेकोसी लोक ओडिशा को आसवे से मानक 14 दिन क्वारंटाइन रखा। बालेश्वर एवं मयूरभंज जिलापाल एसपी मानको इंस्ट्रक्शन दिखाई वेस्ट बेंगल जत्ते बॉर्डर रास्ता सब अच्छी सब रास्त से माने चेक पोस्ट करेंगे एवं कंप्लीटली 100% चेकिंग करा जिवो। जो माने पश्चिम बंगर आसुछन्दे समस्त चेकिंग करा जिवो एवं जो मान पाखरे 48 आवर्स भितर आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट बा दुटा डोज वैक्सीन नहीं रिपोर्ट नथिबो समस्त को आम आम जो क्लस्टर टीएमसी जो अच्छी क्लस्टर टीएमसी 14 दिन रखा। सरकार तरफ बॉर्डर एरिया रे कलेक्टर माने अकोमोडेशन अरेंज कर 14 दिन पर्यंत रखा एवं से खावाक दिजो एवं जो माने चाहिए से माने पेड क्वारंटाइन में रहीपर जब से चाहिए से लजिंग हाउस एवं होटल आम नियरेस्ट टाउन मानक अरेंज करूँ एवं सेठी से माने पेमेंट करके रहीपर कि 14 दिन रखा। ता छड़ा वेस्ट बेंगल रो जो फ्लाइट सब भुवनेश्वर को एवं झारसुगुड़ा को से फ्लाइट रे मध्ये जो माने आसीबे समस्त को 14 दिन क्वारंटाइन रे इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन बा गवर्नमेंट रो क्वारंटाइन सेंटर बा पेमेंट बेसिस रे जो क्वारंटाइन सेंटर सब कराई होटल्स बा लॉजिंग रे सेठी मध्ये से माने को रखा जिवो से माने होम क्वारंटाइन को जाई परिबेनि बा घर को से माने जाई परिबेनि। केवल जो मानकर नेगेटिव रिपोर्ट थी 48 आवर्स पूर्व बा दुटा डोज वैक्सीन सर्टिफिकेट थी से मैंने केवल घर को जापर और घर जाकि क्वारंटाइन में रहें। तेनालीटा गोटे बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट निष्पत्ति निहाई आम राज्यर जनसाधारण स्वास्थ्य सुरक्षापाई जो भयंकर जो म्यूटेंट गोटे डेवलप होती ट्रिपल म्यूटेंट ताकु वेस्ट बेंगल जमी आम ओडिशा लार्ज स्केल स्प्रेड न हुए ताकु आखि आगे रखिके आज राज्य सरकार निष्पत्ति नहीं जिलापाल एवं एसपी को यह विषय जन दिया आसंता काल एंटायर वेस्ट बेंगल बॉर्डर सबू रास्ता आमर नेशनल हाईवे हो स्टेट हाईवे हो एवं छोट छोट जो पंचायत लेवल जो रास्ता सब अच्छी सबू रास्ता को कंप्लीटली चेक पोस्ट करके 100% चेक करा जिवो। तेणु मु रिक्वेस्ट करी जनसाधारण एथरे समस्त सहयोग करेंगे जिलापाल और एसपी मान को इंस्ट्रक्शन दिखाई से मैंने वेस्ट बेंगल बॉर्डर रे लार्ज स्केल रे माइक अनाउंसमेंट करेंगे एवं ओडिशा रो जेकोसी जगह को जदि वेस्ट बेंगल रो कौनसी लोक आसेंटिफाई विलेज लेवल पंचायत लेवल से क्वारंटाइन रखा। तेणु आसंता कालीठू यह लागू हम एवं केवल पश्चिम बंगर जो मैंने आसुच्चे समस्त को 14 डेज क्वारंटाइन मैंडेटरी कराई।
ଆସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଧରାକଟ ଥାନା ପଙ୍କଳପାଡ଼ି ଗାଁ ପାଖ ଋଷିକୁଲିଆ ତଟରେ ବେଧଡ଼କ ଚାଲିଛି ବାଲିଚୋରା ଚାଲାଣ, ଫଳରେ ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ସାଙ୍ଗକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ଶେଷରେ ଆଜି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ନଦୀ କୂଳରେ ତିନୋଟି ଜେସିବି ସାତଟି ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଧରାକଟ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଛି। ବିଶିଷ୍ଟ ମଞ୍ଚ ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କଳାକାର ରତିକାନ୍ତ ବେହେରା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମେ ସୋର ଡାକ୍ତରଖାନା ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳାରେ ଘଟିଥିଲା ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଭଦ୍ରକରୁ କାର୍ରେ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନାୟକ ବନ୍ଧଠାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ରତିକାନ୍ତ। ତାଙ୍କ ସହ ଥିବା ଓକିଲ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ଦିଲ୍ଲୀ ମାର୍କେଟ ପରିସରରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ପରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ଜାରି ରହିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ତାଳଚେରରେ ମଧ୍ୟ ସଟ୍ଡାଉନ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସହରର ନବମିଶ୍ର କଲୋନୀକୁ କଣ୍ଟେନ୍ମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପୁଣିଥରେ ଫେରିଲା ବାଉଁଶ ବ୍ୟାରିକେଡ୍। ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବା ବଜାର ଏବଂ ଉଠା ଦୋକାନୀ ବସୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ କରାଯିବ ବ୍ୟାରିକେଡ୍। ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦେଖି ମହାନଗର ନିଗମ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ବାଉଁଶ ବ୍ୟାରିକେଡ୍। ଗତବର୍ଷ ଭଳି ବାଉଁଶ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବାହାରେ ରହି ଗ୍ରାହକ ଜିନିଷ କିଣିପାରିବେ। ପଥର ଖଣିରେ ଗଳିପଡ଼ି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା। କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ଶବ ରଖି ନୟାଗଡ଼ ଭଞ୍ଜନଗର ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଓଡ଼ଗାଁ ଥାନା କମଣ୍ଡଠାରେ ଜନଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗି ରହିଛି। କମଣ୍ଡ ଗାଁ ହରିଜନ ସାହିର ମଙ୍ଗୁଳୁ ନାହକ 30 ଫୁଟ ଗଭୀର ଖଣିକାତରେ ଗଳିପଡ଼ିଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଶବ ରଖି ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହଟିଥିଲା। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମହିଳାଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ, ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ଘେରିଲେ। ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ ବି ହେଉନି ସମାଧାନ, ଏକ ପାଖିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ। ପୁରୀ ପିପିଲିରୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ମହିଳାଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ, ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ଘେରିଲେ। ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ ବି ହେଉନି ସମାଧାନ, ଏକ ପାଖିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ବ୍ଲକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ପିଓଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ ହେଉଥିଲା, ହେଲେ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡିଲରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିର ମହିଳାମାନେ। ଏ ବାବଦରେ ପିପିଲି ଭିଡ଼ିଓଙ୍କୁ 2-2 ଥର ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ। ତେବେ ଗୁରୁବାର ପିପିଲି ଭିଡ଼ିଓ ରଶ୍ମିତା ନାଥ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମହିଳାମାନେ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଆମ ଅଭିଯୋଗର ବିଚାର ନ କରି ଏକ ପାଖିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଛି, ପୁରୁଣା ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିକୁ ବଣ୍ଟନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଦଳୀୟ ନେଇକି ଏଇଟା ହେଉଛି, ଏଇଟା ସମାଧାନ ସରୁ ତାପରେ ପିଡିଏସ୍ ଚାଳ ବଣ୍ଟା ହେବ। ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ପିଡିଏସ୍ ଚାଳ ବଟିଲେ ଆମ ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦଳ ନେଇକି ହେଉଛି, ସେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ଭଳି ଏମିତି ତାଙ୍କର ଜବ ଦେଖେଇ ସବୁଥିରେ ଦାବି ଦେଖେଇ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଜିନିଷ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବଣ୍ଟା ହେଲେ କୌଣସି ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ଭିତରେ କି ଗ୍ରୁପ୍ ଭିତରେ କୌଣସି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଯେମିତି ହେବ, ଭୋଟିଂ ଅଧିକା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇକି, ସେଇ ସକାଶେ ସେ ଦଳନୀୟ କରିକି ଏତିକ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଜୁଲେଙ୍କା ଆଉ ଟୁଲୁ
टुलु आउ ता भाई बुलु आउ प्रसन्न तांको स्त्री मामनी एतिक दळनीय करिकि एमिति करसंती से गोष्ठी बांटिबो त से गोष्ठी बांटुनी पंचायत ऑफिस रे आसी कि सेति पई त हमर सरपंच मन को नांदी ना तण कर सी काई अलगा जगार बंटा हबो तांको गां रे बंटा हबो एटा को ओइटा को न्याय एटा त अजुलंका करछु ना गोष्ठी तो करिनी जे पर्यंत सुरक्षा भाबरे एठी चाळो न बंटन होईची से पर्यंत आमे एमिति विद्रोह कर चलु सेबे लक्ष्मी नारायणपुर पंचायत रे निर्वाचन आचरण विधि उल्लंघन होइतबा अभिजो करिछि बीजेपी 2018 रे हाईकोर्ट निर्देश देथिले पंचायत ही पीडीएस बंटन करिबो किंतु उपजिलापाल व वीडियो पीडीएस बंटन पई एक निर्दिष्ट स्वयं सहायता गोष्ठी को दायित्व देछन्ते स्वयं सहायता गोष्ठी को परिवर्ते जने राजनैतिक व्यक्ति का अकाउंट टंका जाइछि बोली अभिजो करिछि बीजेपी एपरी कराचाई जनसाधारण को प्रलोभित भयभीत व प्रभावित कराउछि बोली बीजेपी अभियोग करिछि मुख्यमंत्री निर्वाचन प्रचार को नजिबा जो निष्पत्ति नहींचंती ताकू गोटे बड़ आदर्श स्थानीय निष्पत्ति बोली कह जाउछि किंतु से निष्पत्तिर अंतराल रे जो प्रकार भोटर मान को प्रभावित करिवार उद्यम चलीछि ताकू भारतीय जनता पार्टी निंदा करुछि एवं माननीय निर्वाचन अफिसरंकर दृष्टि को आनीचु एक संक्रांत निरपेक्ष एवं भयशून्य तथा निर्वाद इलेक्शन जेभली पदक्षेप नेबे सेतिपई तांकु निवेदन करा जाइछ तोयचि प्रश्न उठछि बारंबार अभिजोग परे भी महिलांक कथा काहेकि सुनुनि प्रशासन एक निर्दिष्ट एसएचजी को काहेकि एत अनुकंपा महिलांक अभिजोग एथिरे रहिछि शासक दलर संपृक्ति शासक दलर चापरे नियुक्त करा जायछि द्वितीय टिल तबे महिलांक दाबी अनुसार एबे घटनार तदंत जरूरी हि पडछि पुरी पिपिलीरु दुर्गा माधव परिडांक सह भुवनेश्वर प्रदीप्त महापात्रंक रिपोर्ट अर्गस न्यूज क्यान्सर पीडितंक चिकित्सा पई जिलापालंक भेटी दाबीपत्र प्रदान करिबाको दाबी कला बरगड़ फाइटर्स ग्रुप क्यान्सर सर्वाइवर तथा फाइटर्स ग्रुप रा तीनजणिया प्रतिनिधि दल बरगड़ जिलापालंक साक्षात करी एने आलोचना करिछन्ते महामारी समय क्यान्सर पीड़ित माने निजर चिकित्सा पई हॉस्पिटल जाई परुनहते तेणु मासरे गोटे दिन क्यान्सर स्पेशलिस्ट मानंक डकाई चिकित्सा प्रदान करिबा पई दाबी करिथिले अन्य पक्षरे एही विषय रे संप्रुक्त विभाग को पत्र लेखिबा पई जिलापाल प्रतिश्रुति देछन्ते ए समय रे सरकारी स्तर रे विभिन्न प्रकार प्रिकॉशन निया होची कोविड रो मुकाबला लागि से भितर कैंसर पेशेंट माने जन माने अछन सेमनकर विषय रे आदो ध्यान नाही दिया जेबा आ कैंसर पेशेंट जदि जने अफेक्टेड हि होची तो सेटा महामुश्किल सर्वाइव करवा चांसेस बहुत कम है तो वर्तमान स्थिति रे से माने तार जेन सेंटर रे से माने चेकअप करासन से जगह मन को भी जाय नै परवा धरन मैं जाऊ छे बॉम्बे टाटा मेमोरियल के मुई सेन के पहुँच नहीं पार्वा किए आउ हैदराबाद जाऊवा आउ किए जाऊन भुवनेश्वर जाऊन किए कटक जाऊन तो ये समय यहाँ से मैंने कहीं जाकर चेकअप करवा संभव नहीं हो पार्वर तो आम जिला प्रशासन आमर जिला मुख्य तांकु गोटे दाबीपत्र देलु सरकार को रिक्वेस्ट करी जे बरगढ़ जिला गोटे कैंसर प्रोन डिस्ट्रिक्ट समस्ते जानिछन ए जगार डिस्ट्रिक्ट कैंसर रो गोटे हॉस्पिटल हो बोल बहुत दिन रो दाबी हो आसुचे कोई रखुच अधिक खबर पाई देखु अर्गस न्यूज नमस्कार।